कहा जाता है कि इसके अंदर से एक सुरंग इसको कनेक्ट किया जाता था, कोई और पोखरा है इंटरनली ये कनेक्ट था। और ये चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, फोटो क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लोकेशन है, फोटो क्लिक करा सकते हैं, सॉन्ग शूट यहाँ होते रहता है। तो आप कभी कभी अगर आते हैं तो भाई यहाँ पे चाय बरस करने के बाद ही मिलता है, ठीक है, घर पे आने के बाद चाय का सीन होता है ब्रश करने के बाद। और मैं ब्रश टूथपेस्ट सब बहुत कुछ भूल आया हूँ, फेस वाश ब्रश टूथपेस्ट सारी चीज़ें मैं नोएडा में भूल के चला आया हूँ। अब उठाई इतनी लेट कि अब मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है कि मैं जाके ख़रीद के लेके आऊँ। अभी गाँव का जो ब्रश होता है ना, देख रहे हो, गाँव का मतलब सबसे परफेक्ट ब्रश होता है। आप इससे अगर ब्रश करते हैं तो आपके दाँत मजबूत रहेंगे, और दाँत मजबूत के साथ साथ मतलब कोई सीन ही नहीं है केमिकल लगाने का। तो अभी बाहर निकल के मैं आया हूँ, बाहर एक पेड़ से इसको तोड़ा हूँ, हालांकि का किसका है पहचान के बताओ ये, ठीक है। उसके बाद से अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा ब्रश कर लिया जाए, ब्रश करने के बाद चलता हूँ। चाहे पीछे देख रहे हो, पीछे ये घर दिख रहा है, ठीक है, ये किसी और का है, मेरा घर यही है, ठीक है। चलते हैं यार, ब्रश करने के बाद मैं चलता हूँ। भाई यहाँ पे मैं जिस टाइम में चाय पी रहा हूँ यहाँ, उस टाइम खाने का समय होता है, एक बार खा लो फिर दोबारा भी खा लो, और मेरा ये चाय का समय होता है और खाने का समय 2 बजे। राधे राधे आप सभी को। सबसे पहले आज वीडियो में जो भी होगा स्टार्टिंग हमारे ओर से होगा, ठीक है। सबको राधे राधे, क्योंकि राधे कृष्ण के मंदिर में हूँ मैं। और सुबह मैं सुबह सो के उठा और घर पे उठा, जनरली हम लोग का रूटीन होता है जब हम घर से बाहर रहते हैं तो सो के उठना है, खाना है, फिर सो जाना है। आने के बाद कुछ दिन लगता है ये आदत छोड़ने में। अभी मैं घर पे उठा, सो के खाना खा के फिर सो गया था। भाई आए कि चलो अपने घर को एक्सप्लोर करते हैं, मानो कि हम जहाँ खड़े हैं हमारा घर ही है। क्या कहना चाहते हो बताओ यार। एक तो बाहर में आई मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो भाई चलो 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, वही चलता है। घर पे पता है यार, गांव है ना, तो गांव में 4, 4:30, 5 बजे तो उठना कंपल्सरी है यार। ये चीज़ अच्छा लगता है गांव का भाई, आने के बाद सब रूटीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग हैं हथुआ में, और हथुआ मानो तो हमारा घर ही है, और यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। हथुआ राज के नाम से आपको हर जगह पे, दिल्ली से लेकर छपरा बिहार हर जगह जाएं जाइएगा, हथुआ राज के नाम से आपको एक जगह देखने को मिलेगा हथुआ राज के नाम। तो अभी पीछे देख रहे हैं ये राधे कृष्ण का मंदिर है। हथुआ राजतंत्र जब था तब से चला आ रहा है, और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध आपको महल मंदिर और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अभी मैं आया हूँ अपने घर पे, तो सोचा आप लोगों को ये भी दिखाया जाए कि हमारे घर के पास का है क्या है, और हमारे पास में घूमने वाली जगह का है। जो नियरेस्ट है गोपालगंज सिवान छपरा में है, वो लोग घूमने आ सकते हैं, काफ़ी लोग आते भी हैं। अभी खाली दिख रहा है, काफ़ी लोग आपको घूमते हुए दिखेंगे भी, यहाँ पे हैं भी। तो इस अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ पे भी हथुआ में भी आप आके काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी ऊपर लेके मंदिर में चल रहा हूँ और दिखाऊँगा कि मंदिर में मतलब राधे कृष्ण का मंदिर है। मैं बाहर से ही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप आइएगा तो आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। हथुआ में काफ़ी चीज़ें हैं, तो ले चल के अंदर भी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वो आपको दिखाते हैं। जो नियरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकता है। और इसकी बनावट ऐसी रही है कि जो आपको नदी दिख रहा है, नदी कहा जाता है, नदी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, दिल्ली जाने के बाद शायद इसको भूल चुके हैं, ये तालाब बोला जाता है। अपने यहाँ इसको शुद्ध देसी भाषा में पोखरा बोला जाता है। तो ठीक है, पोखरा ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कहा जाता था कि आप जैसे पीछे देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है, ये घर है। अभी इसको बंद करके रखा गया है क्योंकि काफी लोग इसके अंदर जाके बहुत कुछ करते थे। क्या होता है हमारे जैसे लड़कों की वजह से बंद हुआ, हाँ इनके जैसे लड़कों नहीं थे भाई, उधर से आगे बस पोखरा में नहाते थे। नहीं बंद दूसरे कारण से किया गया, लेकिन एक कह रहे हैं कि इस वजह से बंद किया गया है, ये बंद करके रखा गया। कहा जाता है कि इसके अंदर से एक सुरंग इसको कनेक्ट किया जाता था, कोई और पोखरा है इंटरनली ये कनेक्ट था। और चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं,
जो यहाँ की महारानी थी ना भाई साहब, वो दूसरे पोखरा में रहती थी, ठीक है, पोखरा में नहीं महल में रहती थी भाई। हाँ वही, अरे वो भी पोखरा से है ना, कनेक्टेड है ना। हाँ। वो शीश महल में रहती थी, तो वहाँ से उनको जब नहाना होता था तो वो सुरंग के द्वारा अंदर आती थे, लो राजा रानी आते थे, लो पोखरा में। अरे आ जाओ भाई आ जाओ, और हमारे दो भाई हैं, ठीक है, तो ये रील्स, यहाँ रील्स शूट कर रहे हैं। तो अगर देखो आजकल यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टा ट्रेंड है, तो हर कोई रील्स बनाना पसंद कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा लोकेशन है ना कि आप आके रील्स शूट करते हैं, तो रील्स भी शूट होता है, तो और भाई मस्त दो तीन भोजपुरी गाना भी, हाँ भोजपुरी सॉन्ग भी शूट हो गया है। तो ये हमारे दो भाई हैं, देखो हाई कर दो भाई, हाई बोल दो दोनों। देखो भाई का इंस्टा का नाम है क्या, नाम है भाई तुम बताओ, नेकी जान। तो भाई जो इंस्टा चलाता होगा, मैं तो भाई यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो इंस्टा चलाता होगा भाई को फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो बनाते हैं, अच्छा वीडियो बनाओ, मतलब कुछ लोगों को दिखाओ जो लोग देख के तुम्हारे वीडियो से इंस्पायर हो, ठीक है। तो रील्स अगर बनाना है तो आप यहाँ आके शूट कर सकते हैं, सॉन्ग शूट काफ़ी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि लोकेशन थोड़ा सा बहुत अच्छा है। अभी मैं और कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको अंदर बाहर से पूरा, जो आप इधर का लोकेशन, ये तो ब्यूटीफुल आई, और इससे कई गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको इधर लेकर चलते हैं, ये दिखा। हाँ तो चलो अभी लेकर चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने, मतलब देखने लायक है। देखो यहाँ पे प्राकृतिक का दिया हुआ बहुत कुछ है, हरा भरा पूरा है, सुनने की भी लायक है और आपके यूज की भी लायक। हाँ इसकी ऐसी है कि यहाँ पे आप आए तो वो बैठ के यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं। अगर आपको कुछ बातें करनी हो, कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, कुछ किसी के से मिलना हो, तो यहाँ पे इजिली आप बैठ के मिल सकते हैं, कुछ देर बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लायक है। मैं मेरा तो बचपन गुजरा है भाई, हमारा भी गुजरा है, अच्छा तो मुझे पता है। और एक चीज़ यहाँ पे है, पास में ही आपको महारानी मैरिज हॉल मिलेगा, जो कि इस लेवल का मैरिज हॉल आपको छपरा, सिवान और गोपालगंज में हमारे ख्याल से यही मिलेगा, यही वाला। तो चलिए एक दिन महारानी मैरिज हॉल में आपको लेके चलेंगे, जो कि आपको गोपालगंज सिवान छपरा में आई थिंक इससे अच्छा फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुल एसी से, मतलब फुल एसी है ना। हाँ हम बता रहे हैं, वहाँ पे अभी तो अभी हम लोग हथुआ का जो भी है, मतलब पैलेस टाइप से ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं, और हथुआ मार्केट में क्या है ये चीज़ दिखा रहे हैं। और एक दिन हम लोग टाइम निकाल के वहाँ पे जाएंगे, क्या रेट है, क्या क्या मतलब है सब। फोटो क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लोकेशन है, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, सॉन्ग शूट यहाँ होते रहता है। तो आप कभी कभी अगर आते हैं तो आपको वो देखने को मिल जाएगा, सॉन्ग अच्छा सा शूट हो रहा है देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब का प्लास्टिक बहुत फैली हुई है, और कुछ कुछ कचरा जो कि लोग खाते हैं पी के यहीं फेंक देते हैं, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि आप जब तक अपने घर को साफ नहीं रखिएगा दूसरा कोई आकर रख नहीं सकता। तो आप अगर हथुआ के हैं, लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर को साफ रखिए, मतलब यानी यहाँ पे बैठते हैं तो आप यहाँ पे सफाई का ध्यान रखिए। काफ़ी कुछ यहाँ पे काफ़ी देख रहे हो यार, कचरा देखने को मिल रहा है, मैं बहुत डिसपॉइंटेड हूँ इससे। आप लोग अगर यहाँ आते हैं बैठ के खाते हैं तो क्या कीजिए, इसको साफ रखिए। और सब मेरे भाई हैं, जब लोकली जब आप अपने घर में रहते हैं ना, तो ऐसे ही सब घर के लोग मिल जाते हैं, जैसे सब भाई मिल गए हैं। और ये जो लोकेशन है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि जो आप प्री वेडिंग आजकल बहुत शूट हो रहा है, आप अगर देखते हो तो प्री वेडिंग का अभी जो है आवरा एक चला हुआ है। तो आप अगर बेस्ट लोकेशन, मेरे देखने से मेरी लोकेलिटी में ये सबसे बेस्ट लोकेशन होगा अगर आपको प्री वेडिंग शूट करना है। तो आप लोकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप कैमरा के थ्रू कुछ भी शूट करते हैं तो बहुत एक बेस्ट यहाँ पर आने वाला है। कहो सही है कि ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। क्या भाई, कुछ दिन पहले फिल्म का शूटिंग भी हुआ था। देखो भाई कुछ दिन पहले फिल्म का शूटिंग हुआ था, तो अगर आप आते हैं तो मे बी मतलब शायद आपको यहाँ पे एक मूवी शूट होते हुए देखने को मिल जाए, और आप कोई एक्टर्स एक्ट्रेस हो गए उनके साथ फोटो क्लिक करा लेना, बहुत बड़ा बात है। विक्रांत सिंह आए थे, देखो विक्रांत सिंह आए थे। तो भाई आप यहाँ पे आओ यार, मैं देखो बाहर की चीज़ें हम दिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने घर में क्या है उसको दिखाना बहुत बड़ी बात है। तो चलो आज यहाँ दिखा रहा हूँ, जो है घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। मेरे को लगता है कि बिहार में बहुत कम आपको संस्कृत के जो विद्यालय हैं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे संगीत सिखाया जाता है, संस्कृत का एकमात्र मेरे को देखने में दो चार जिले में ये विद्यालय है। हथुआ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सैनिक स्कूल यहाँ पे, हथुआ राज, आईटीआई, आई थिंक यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, घूमने की चीज़ें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे दिखाएंगे। पहले मैं बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से इस अंदर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको बाहर की चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाओ मेरे साथ बाहर, और आप देख रहे हैं गेट देख लो भाई, अभी भी गेट ऐसे बनाया गया है ना
कि इसमें चोर अंदर नहीं जा सकते हैं। तिहाड़ जेल से बड़ा सिक्योरिटी यहाँ पे है और इसको उस लेवल की क्या बोलते हैं सिक्योरिटी दे के रखी गई है। सीधे इसके साथ जस्ट सामने हथुआ मार्केट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे जो आप चाहते हैं। बगल में एक तरफ रास्ता जाता है जो कि हथुआ पहले सैनिक स्कूल की तरफ जाता है, एक जो जाता है वो ITI की तरफ जाता है जो सीधे बहुत गाँवों को कनेक्ट करता है। आप UP में इधर जा सकते हैं, इधर से कनेक्ट होकर दोनों तरफ से UP कनेक्टेड है। UP अगर आपको जाना है तो दोनों तरफ से कनेक्ट होकर कहीं जा सकते हैं। और चीज़ें यहाँ पे बहुत कुछ है, अभी मार्केट में चलते हैं अंदर जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ें खाने की चीज़ें हैं तो खाएंगे, लेकिन वो बाद में दिखाएंगे आपको, अलग ब्लॉग में दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो फाइनली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हथुआ की वो चीज़ें दिखाई जाए जो आपने नहीं देखा हो, वो चीज़ें दिखाई जाए जो आपके यहाँ पे आकर घूम सकें, उसे एक्सप्लोर कर सकें। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को, पैलेस है, कॉलेज है, गार्डन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोग अगर डिमांड करते हैं कमेंट वमेंट करो यार, शेयर करो, लाइक करो, आपकी चीज़ों को दिखा रहा हूँ मैं, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि आप देखो, आप यहाँ पे आओ। तो अगर आपकी डिमांड है कि दिखाऊँगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय सिया राम।